बेस विलेज आ गए हम लोग, यहाँ से थोड़ा रेस्ट करके चालू करेंगे। हम लोग फर्स्ट टाइम इतना लेट ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं 3:30 बजे। ये टाइम पे तो हम लोग कभी कभी घर पे पहुंच चुके होते हैं या फिर ट्रैक कंप्लीट हो जाता है। अभी आज 3:30 बजे स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ऊपर नाइट स्टे करना है, इतना जल्दी आके भी कोई मतलब नहीं है 2 दिन। कभी ऊपर पहुँचते पहुँचते 4 बजे गए, 5 बजे गए, ये थोड़े टाइम में अंधेरा हो जाएगा। पिछले नहीं मतलब हम लोग एकदम परफेक्ट टाइम पे। आज के ट्रैक का पहला व्यू, हमारी बात हो गई है टेंट वाले से। मैं सब फाइनल टेंट लगाने के बाद आपको बताता हूँ कितना चार्ज हुआ क्या हुआ। अभी हम लोग जगह देख रहे हैं ये कहाँ पे टेंट लगाएंगे। यहाँ से ये कलावंते दिख रहे हैं और यहाँ से ये व्यू है। टेंट की बात कर ली, अभी यहाँ पे ये जगह पे हमारा टेंट लगेगा। यहाँ पे सनसेट हो रहा है, आप लोगों को सनसेट का व्यू बताता हूँ। खाली सनसेट देखो इधर से। अभी टाइम 11 बज रहे हैं। अभी हम लोग खाना खाने वाले हैं। यहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों है। तो मैं ये टेंट की बात कर रहा था, ये टेंट का क्या हिसाब है। यहाँ पे पर पर्सन 500 रुपये लेते हैं और एक टेंट में 2 जन सो सकते हैं। और ये लोग टेंट के साथ रात का खाना भी देते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट भी देते हैं और चाय लोगे तो वो भी। ऐसे पर पर्सन 500। और रात को जो बॉन फायर कर सकते वो भी लगा के देते अगर किसी को चाहिए होगा तो। हम लोगों ने तो बोला है वो तो ज़रूरी है, अपना राजस्थान वाला याद है ना। और अभी यहाँ पे हम लोग खाना खाने आए हैं। अभी ये नॉनवेज खाना है अपना, चिकन, ये भी सब्जी है चिकन की, रोटी, और ये अपना खास चीज़ कांदा। आ हा हा, ये पानी पानी और नींबू नींबू पानी। अभी खाना कंप्लीट हुआ, बहुत मजा आ गया। मैंने एकदम दबा के खाया खाना। चिकन में ग्रेवी वाला चिकन था और एक सूखा चिकन था और भाकरी भी था, चपाती भी था, कांदा। आ हा हा, नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट। और
एंड में चावल भी था, सब जो चाहिए वो सब मिला, और वो भी एकदम गांवठी टेस्ट, मजा आ गया। और खास बात तो वो गांव वालों का प्यार भी था उसमें, बहुत सही था भाई, क्लास है। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। अपना दिवाली कुछ अलग ही है। ये माहौल को देख के मुझे वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की वो पोएट्री याद आ गई। बोलता हूँ अगर थोड़ा भूल भी जाऊँ तो भूल चुक माफ। पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशियाँ, ना कहीं है जमी ना कहीं आसमां, सरसराती हुई तैनियाँ पत्तियाँ कह रही है कि बस सिर्फ एक तुम हो यहाँ और मैं हूँ, मेरी सांसें हैं और मेरी धड़कनें हैं, ऐसी गहराइयाँ और ऐसी तन्हाइयाँ और सिर्फ मैं। अपने होने पे मुझे यकीन आ गया। अभी रात के 2 बज रहे हैं, आग बुझ गई और ठंड चालू हो गई है, थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है मुझे। 2 बज रहे हैं अभी, बहुत बैठे तारे देखे, जो हम लोग की आँख देख रही है ना वो कैमरा नहीं दिखा पा रहा है, तो फिर मैंने एक टाइम के बाद कैमरा रख दिया, बहुत अच्छा लगा। तो अभी चलो सोते हैं, कल सुबह उठेंगे जैसे आँख खुलेगी और फिर वो बाकी का पहाड़ कंप्लीट करेंगे। बहुत मज़ा आया। गुड मॉर्निंग गाइज, अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं, बहुत अच्छा नींद आया मुझे। टेंट के अंदर तो ठंडी नहीं लग रहा था, गर्माहट ही था, अच्छा लगा। अभी ये व्यू देखो, खाली यहाँ का व्यू देखो, ओए होए होए होए, एकदम फॉग फॉग बादल, बहुत अच्छा व्यू है। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और अभी हम लोग फ्रेश होके प्रबलगढ़ के लिए निकले गए, हमारा जो आधा ट्रैक बाकी है यहाँ से दिख रहा है। ये कलावंती है, कलावंती दुर्ग, यहाँ पे हम लोग जा चुके हैं, उसके सामने जो है ना अभी आज यहाँ पे जाना है। अभी हम लोगों ने एक छोटा सा गांव क्रॉस किया, वहाँ पे लेफ्ट में कलावंती दुर्ग के लिए रास्ता आता है और राइट में प्रबलगढ़ जो हम लोग जा रहे हैं। ऊपर से भी एक रास्ता पड़ता है जो प्रबलगढ़ जाता है, पर यहाँ से गांव वाले बोल रहे हैं कि नीचे से ही जाओ, तो हम लोगों ने नीचे से जाना डिसाइड किया, ये रास्ता है और ये पहाड़ के बहुत नज़दीक आ गए हम लोग अभी।
जो हम लोगों को नीचे से दिख रहा था, छोटा सा स्टॉल और एक झंडा, अभी हम लोग वहाँ पे आ गए। बहुत फास्ट है ये, पूरा चढ़ने वाला पैच है। क्या व्यू आ रहा है इधर से, क्लास। ये कलावंती, ये व्यू। बहुत ही बड़ा दंगल चलेगा रे, तो और हमार जब तक चढ़ेगा नहीं तब तक जाएगा रे। ऑलमोस्ट पहुंचने आए ऊपर। अभी तक जो मैंने ट्रैक की है ना, उससे एकदम अलग है ये ट्रैक। हम लोगों ने 7:20 को स्टार्ट किया था और सोचा था कि 2 घंटे में पहुँचेंगे। अभी टाइम कितना हो रहा है पता है, 9:20। परफेक्ट 2 घंटे में हम लोग ये ट्रैक कंप्लीट किया। गांव वाले लोग को 1.5 आवर लगता है, हम लोगों को 2 आवर लगा। हम लोग
वीडियो लेते लेते आ रहे थे, थोड़ा रेस्ट भी किए, तो मज़ा आ गया। ये ट्रैक, इसे कहते हैं एक्चुअल ट्रैक, इसके लिए सह्याद्री फेमस है ऐसे ट्रैक के लिए। और मेरे सामने और एक ख़तरनाक ट्रैक है, वो भी मैंने किया है, वो देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, ये ट्रैक पे आते हैं। वो ट्रैक देखो, ये वाला है कलावंती। एक टाइम था मैं यहाँ पे खड़ा था टॉप पे, आज उसके सामने वाले पहाड़ के टॉप पे खड़ा हूँ। अभी 10 बज रहे हैं और हम लोग वापस जा रहे हैं, मतलब उतरना अभी स्टार्ट करेंगे थोड़े टाइम में। बहुत मज़ा आया है, ये याद रहेगा ये ट्रैक, मतलब रात को नाइट स्टे करना टेंट में, फिर गावठी चिकन, आहा, इसके बाद उठे, बहुत मज़ा आया। फिर दूसरे सब ट्रैक के मुकाबले यहाँ पे कुछ इतना थकावट नहीं था, क्योंकि हम लोग ने मॉर्निंग में स्टार्ट किया। देखा जाए तो ये बहुत डेंजर ट्रैक है, बहुत लंबा ट्रैक है, और फिर भी बहुत मज़ा आया। और ऊपर है ना एकदम एक्चुअल, जो फॉरेस्ट बोलते हैं ना एक्चुअल, ऊपर पहाड़ के ऊपर ऐसा है, पूरा फॉरेस्ट है। देखो आवाज़ सुनो, तो वापस आ गए जहाँ से शुरुआत किया था, हमारा टेंट यहीं पे था। 7:30 बजे यहाँ से स्टार्ट किया था, अभी 11 बज रहे और अभी यहाँ से सब सामान लेके उतरना है। और अभी तो आधे घंटे से भी कम टाइम लगेगा शायद से, फिर नीचे तो बाइक है बेस विलेज। रात को ये व्यू आप लोगों को दिखा नहीं होगा, पर अभी बताता हूँ। ये ऐसे जब भी सीजन होता है ना ट्रैकिंग का, तो ये पूरा भरा हुआ होता है, सैटरडे संडे भी भरा हुआ होता है। और यहाँ का खाना भी बहुत सही है, ज़बरदस्त खाना मिल। अभी हमारा नाश्ता बाकी है, तो अभी नाश्ता करेंगे और फिर निकलेंगे। तो ये ट्रैक ख़त्म, बहुत मज़े किए, एक नाइट पूरा ऊपर स्टे किया टेंट पे, तो बहुत मज़ा आया। तो आप लोगों को भी अगर मज़ा आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। ये रही हमारी बाइक, और अभी 1:10 बाकी है, यहाँ से अभी निकलेंगे और सीधा घर पे।